फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई होप आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर हम सेल को क्लोजली देखें तो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे को कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या फोल्डेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर को या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए वो स्मूथ है, राइट। अब अगर हम फंक्शंस की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाता है। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बनाने के काम में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मेम्ब्रेन, चाहे वो कोई भी मेम्ब्रेन हो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन या किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, राइट। अब इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं, ये एंजाइम्स का काम भी करते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट्स यानी वो सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बना रहा है ये बायो कैटलिस्ट हैं, यानी ये वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर हो रहे हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज करता है, उनको मदद देता है, उनको हेल्प करता है। इसके अलावा जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होने की वजह से, उनके लिवर में प्रेजेंट होने की वजह से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है, राइट। सो बिकॉज दे मेक दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, देयरफॉर इसका एक स्पेशल नेम है, इसको हम प्रोटीन सिंथेसाइजर या लिपिड सिंथेसाइजर भी बोलते हैं। गॉट इट? अब जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो हमने उसमें एक राउंड स्ट्रक्चर की बात की थी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। तो राइबोसोम्स भी एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली है जिसकी बात अब हम करेंगे। राइबोसोम्स क्या है? ये राउंड, अगर इनका स्ट्रक्चर हम की बात करें तो ये राउंड शेप के होते हैं और इसमें प्रोटीन्स बनते हैं। बहुत सिंपल सा है, राउंड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं पूरे सेल में, अलग अलग जगह पर ये देखने को मिलेंगे, खासतौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डॉट 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 की फॉर्म में ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये राइबोसोम्स होते हैं, ये राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है। सो देयरफॉर जो स्पेशल नेम राइबोसोम्स को दिया गया है वो क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। मैं लगातार आपको स्पेशल नेम्स बता रहा हूं, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन मार्कर, एमसीक्यू या अदरवाइज भी क्वेश्चंस में ये स्पेशल नेम्स दे दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि गिव द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन या व्हाट इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सो यू हैव टू नो दिस। और जितने भी हम ये सेल ऑर्गेनेलीज आगे भी करेंगे इसमें भी मैं स्पेशल नेम्स बता दूंगा, और एग्जाम्स के लिए ये स्पेशल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करिएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू गॉल्जी अपैरेटस। गॉल्जी अपैरेटस को हम सेल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गॉल्जी अपैरेटस जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट वन ओवर ईच अदर, इस तरह का स्ट्रक्चर सेल में शो करते हैं। गॉल्जी अपैरेटस को कैमिलियो गॉल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है,
इफ यू टॉक अबाउट इट स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइट. अब गॉल्जी अपैरेटस की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो गॉल्जी अपैरेटस के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें से पहला फंक्शन है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाने, पैकेज करने और सेल के वेरियस पार्ट्स में सेंड करने में काम में आता है. दूसरा, ये सिंपल शुगर से जो है कॉम्प्लेक्स शुगर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के काम में भी आता है. इसके साथ साथ गॉल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम्स बनाने के काम में भी आता है. अब क्योंकि अब लाइसोसोम्स का मैंने मेंशन कर दिया है तो लाइसोसोम एज अ सेल ऑर्गेनेल को हम डिस्कस कर लेते हैं. लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है, लाइसोसोम्स को हाउसकीपर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है. लाइसोसोम्स का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो लाइसोसोम्स जो हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं विच आर फिल्ड विद एंजाइम्स. यही स्पेशल खास बात है लाइसोसोम्स की कि लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स भरे हुए, ठीक है, और ये लाइसोसोम्स सेल में हर जगह साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट पाए जाते हैं. लाइसोसोम्स दो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. पहला तो क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं तो ये सारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी में रोल प्ले करता है. जहां पे भी एंजाइम्स की जरूरत है लाइसोसोम उस एंजाइम को वहां पर अवेलेबल कराता है और वेरियस केमिकल रिएक्शंस में ये एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, मैं बात कर चुका हूं. इसके अलावा अगर सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गई है तो ये लाइसोसोम्स ही हैं जो उस सेल को खुद ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं. इसीलिए जब सेल में कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी तरह का डैमेज हो गया सेल के अंदर, तो ये सेल को खुद को डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम. इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं कि सेल अगर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या सेल में कोई प्रॉब्लम है, कोई डैमेज हो गया सेल में, तो ये लाइसोसोम्स बस्ट हो जाते हैं, ये एंजाइम रिलीज हो जाते हैं सेल के अंदर और पूरे सेल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम्स को डाइजेस्टिव बैग्स कहा जाता है. नाउ स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि सेल के पास एनर्जी कहां से आती है, तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है इस सेल ऑर्गेनली को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है. स्ट्रक्चर की अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली है, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर्स होती है, और जो इनर लेयर है वो फोल्डेड होती है. ये स्पेसिफिक फीचर से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में बहुत आसानी से पहचान लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की एक और खास बात है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने खुद के डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बना पाता है. इसी वजह से वो अपने प्रोटीन्स भी बना पाता है. इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली भी बोला जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया का एक और स्पेशल नेम है, क्या है, इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. यू कैन गेस व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है, यही इसका मेन फंक्शन है. माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है. इसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन है, फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इसी पर सेलुलर रेस्पिरेशन के सारे रिएक्शंस होते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशन यानी क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज की जाती है, और ये जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है ये एटीपी की फॉर्म में रिलीज करता है. एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही एटीपी जो है वो सेल की एनर्जी करेंसी कहलाती है. एटीपी इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी किसी भी सेल में जो भी एनर्जी यूज होगी वो एटीपी की फॉर्म में होगी. और इसको बनाएगा कौन, इसको बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूसर ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है.
बहुत टाइम तक ये मिस्ट्री रही कि फ्लावर्स इतने सुंदर सुंदर कलर्स के क्यों होते हैं, कैसे इनके कलर्स इतने सुंदर हो पाते हैं, क्या चीज है इनमें जो इनको इतना सुंदर कलर देती है। सिमिलरली फ्रूट्स इतने वाइब्रेंट, इतने ब्यूटीफुल, इतने अट्रैक्टिव कलर्स के कैसे हो जाते हैं, क्या चीज है जो इनको इतना कलरफुल बना देती है। इन द सेम वे ग्रीन कलर के ये लीव्स, ये ग्रीन कलर आता कहां से इनके पास। दिस मिस्ट्री गॉट सॉल्व विद द डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड्स। अब हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनली विच आर फाउंड इन ओनली प्लांट्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का एक स्पेशल वैरायटी है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। यस, क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज किचन ऑफ द सेल। ल्यूकोप्लास्ट आर कॉल्ड एज द स्टोरेज यूनिट्स ऑफ द सेल एंड क्रोमोप्लास्ट आर कॉल्ड एज द कलरिंग एजेंट ऑफ द प्लांट। प्लास्टिड्स को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली भी कहा जाता है। क्यों? जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स में अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। इस वजह से ये प्लास्टिड्स अपने लिए बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स, एंजाइम्स और डिफरेंट थिंग्स बना पाते हैं। प्लास्टिड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड इज पोरस, वेयर एज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड इज हाईली फोल्डेड। दिस इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर वेरियस रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द प्लास्टिड। लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आपने फ्लावर्स को, फ्रूट्स को देखा होगा। दे आर वेरी ब्यूटिफुली कलर्ड, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैंगोज येलो कलर के, रोजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, रेड, पिंक, ऑरेंज, सुंदर सुंदर फ्लावर्स। ये कलर प्लास्टिड्स में जो आता है वो क्लोरोप्लास्ट, एक टाइप ऑफ प्लास्टिड है जिसके अंदर कलर्ड पिगमेंट होता है, वो इन फ्लावर्स को, इन फ्रूट्स को कलर देता है। देयरफोर अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावर्स में या फ्रूट्स में कौन सा प्लास्टिड पाया जाएगा, तो फ्लावर्स और फ्रूट्स में क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड मिलता है। सिमिलरली ग्रीन लीव्स, यू नो देयर फंक्शन, ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, यू नो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन होकर के ग्लूकोज बनाते हैं। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम जो है, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट ये काम क्यों कर पाता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यही क्लोरोफिल सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है और इसको केमिकल एनर्जी कॉल्ड एटीपी उसमें कन्वर्ट करती है। फर्दर इसी प्लास्टिड में, यानी क्लोरोप्लास्ट में, एटीपी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये वन मार्कर और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट? दैट क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल। इसी तरह से एक और प्लास्टिड्स हैं जिनको कहते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं होता इसके अंदर, बट इसका फंक्शन क्या है? ये वेरियस सब्सटेंसेस को, जैसे कि प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है। ये वाले प्लास्टिड्स जनरली कहां मिलेंगे? ये प्लास्टिड्स आपको रूट्स में मिल सकते हैं
और ऐसी जगह पर प्लांट में मिलेंगे जहां पर स्टोरेज ऑफ फूड या स्टोरेज ऑफ मटेरियल हो रहा है। आई होप प्लास्टिड्स का कंसेप्ट अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।